हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इमरजेंसी में बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक आप भी वीडियो देखिएगा और किसी को पता चल जाएगा, वरना वीडियो देखने में लग जाएंगे, किसी ना किसी का कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो यहां पर चक्कर क्या है, सऊदी अरब में एक मैसेज हर किसी के मोबाइल पर आया हुआ है, जो कि अगर आप चाहे एसटीसी पे, यूआर पे या किसी बैंक का एटीएम यूज करते हो, तो पैसा डिपॉजिट करने को लेकर के और अपने देश पैसा भेजने को लेकर के इस पर बहुत बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, नहीं कि आपका पैसा फंस सकता है, फिर आप परेशान होगे, फिर इधर उधर कस्टमर केयर दुनियादारी में दौड़ते फिरोगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर दो बातें हैं, एक तो आपको पैसा भेजने वाली बात है और ये किस तरीके से आपको क्या करना है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, और जो अपडेट आई हुई है उस पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, एक भाई का सवाल है यहां पर कि अगर आमिर कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, कैसे होगा। तो देखिए, कोई भी आमिल हो, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, तो आपको भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आप कब कर सकते हो, जब आपके ऊपर सैलरी का कोई प्रॉब्लम हो, काम आपका ना बना हो, 3 महीने से ज्यादा हो चुका आपका काम नहीं बना, 3 महीने से ज्यादा हो चुका आपको सैलरी नहीं मिली, तो ऐसे सूरत में आप मकतबे अमल में लेबर कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हो, और वहां से आप फाइनल एग्जिट जा सकते हो, या फिर आप कहीं कफारा ले सकते हो। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आपको हो सकता है बात समझ में आ चुकी हो। ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। अब यहां पर आपको बात करते हैं पैसे की। तो यहां पर जो मैसेज आया, सबके पास में एक मैसेज यहां पर देखिएगा, ये मैसेज आया हुआ है मेरे पास यूआरपे पर भी, एसटीसी पे पर भी, अरलाजी पर भी, अलिनमा पर भी, हर जगह मेरे पास मैसेज आया हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना इस मैसेज के थ्रू सबको इतला कर दिया जाए। तो यहां पर अलिनमा बैंक से जो हमारे पास अपडेट आया हुआ है, ये यहां पर देखिएगा, इसमें बताया गया है कि आज रात से, यानी कि अभी रात के 8 बजे से, 10 नवंबर है आज, और 10 नवंबर के रात के 8 बजे से लेकर के और 11 नवंबर के सुबह 12 बजे तक, यानी दोपहर के 12 बजे तक, अगर कोई भी आदमी अपने देश पैसा भेजना चाहता है तो वो पैसा रुक सकता है, क्योंकि इस दरमियान बैंकिंग में अपडेट चल रहा है। ठीक है, इस दरमियान में आपको पैसा, आपका पैसा नहीं जाएगा। रात के 8 बजे से लेकर 10 नवंबर रात के 8 बजे से लेकर के 11 नवंबर के दिन में 12 बजे तक, रिपीट कर दिया हूं इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में जो लोग सऊदी अरब में हैं और कोई भी एटीएम यूज करते हैं, उनके लिए भी ये अपडेट है। इसी में लिखा हुआ है कि चाहे कैश करना चाहते हैं, कैश विड्रॉल करना चाहते हैं, चाहे आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, तो सुबह के 4 बजे से लेकर रात के सुबह के 8 बजे तक, यानी कि 11 नवंबर के सुबह के 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक, इस दरमियान एटीएम से डिपॉजिट करना, कैश निकालना, ये सारा काम आपका नहीं हो पाएगा। तो जो भी काम कर रहा है आज ही फटाफट इतने टाइम ही कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत कल की डेट में ना हो। कल दोपहर के बाद से सारा कुछ सही हो जाएगा, उसके बाद में आप बिंदास जो मर्जी है वो करिए। लेकिन अगर इस दरमियान में किसी का पैसा फंस जाता है, आप अगर 8 बजे के बाद भेज देते हैं, तो भैया इस पर आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। तो आई होप कि अब आपको जो जरूर समझ में आ चुकी है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।